नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। गुरु पर्व के अवसर पर सिद्धू मूसेवाला का एक नया गाना रिलीज किया गया है। सिद्धू मूसेवाला के नए गाने में सिख वीरता की सराहना की गई है। पंजाबी सिंगर की हत्या के बाद रिलीज हुआ यह उनका दूसरा गाना है। रिलीज से एक मिनट पहले तक सिद्धू मूसेवाला के गाने के लिंक को 1.96 लाख लाइक और 1.69 व्यूज मिल चुके थे, लेकिन रिलीज के 20 मिनट में 10.94 लाख लोगों ने इसे सुन लिया। T20 वर्ल्ड कप के रोमांच के बीच अभी से IPL को लेकर कई सारे अपडेट्स सामने आ रहे हैं। इन्हीं अपडेट्स के बीच IPL के चेयरमैन अरुण धूमल ने बड़ी जानकारी साझा की है। दरअसल उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि IPL 2023 में कुल 74 मैच खेले जाएंगे, वहीं साल 2027 तक IPL में मैचों की संख्या में इजाफा भी होगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने एक विवादित बयान दिया है। भिवंडी के बागेश्वर धाम में एक कार्यक्रम में मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि वक्त पर जागे नहीं तो तिरंगे में चांद दिखाई देगा, और यदि वक्त पर जागे तब चांद पर लहराएगा तिरंगा। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टार मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के अगले साल रिलीज होने की उम्मीद है। फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। वहीं खबर आ रही है कि सलमान खान की टाइगर 3 में पठान यानी शाहरुख खान भी जबरदस्त एक्शन में सीन में नजर आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जोर शोर के साथ फाइनेंशियल सेक्टर में कदम रखने जा रही है। इसी के तहत जियो पेमेंट बैंक को प्रस्तावित जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का सब्सिडियरी बनाया जा सकता है। जियो पेमेंट बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज और देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI का साझा वेंचर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में 19 साल की लड़की से गैंगरेप, उत्पीड़न और कत्ल के 3 दोषियों को रिहा कर दिया है। इस फैसले की कल से ही चर्चा हो रही है और सवाल उठ रहा है कि आखिर इन्हें रिहाई क्यों मिली है। पीड़िता के परिजनों ने कहा कि इन लोगों को कम से कम उम्र कैद की सजा तो होनी ही चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक है। तमाम इलाकों में आयोग की टीमें चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। इस बीच आयोग की टीम दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंची। यहां मतदाताओं में चुनाव में वोटिंग को लेकर उत्साह की कोई कमी नहीं है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी के दूसरे नेताओं को निशाना बनाकर किया गया। AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने ट्वीट करके बताया कि सोमवार शाम जब ओवैसी साहब साबिर काबलीवाला और पार्टी नेता अहमदाबाद से सूरत के लिए वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर जोर से पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। हिंदू जन जागृति समिति ने सोमवार को कॉमेडियन वीरदास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वीरदास के खिलाफ शिकायत उनके द्वारा किए गए एक आपत्तिजनक बयान को लेकर की गई है और हिंदू जन जागृति समिति ने उनके शो को कैंसिल करने की मांग की है। वीरदास का ये शो 10 नवंबर को बैंगलोर में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूर्व डिप्टी PM आडवाणी की जन्मदिन की बधाई देने उनके आवास पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आदरणीय आडवाणी जी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। मैं भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूँ। गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि अप्रैल 2021 की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जीवन रक्षक दवाओं की मांग बढ़ गई थी। मंत्रालय ने कहा कि हल्के गंभीर और गंभीर मरीजों के लिए रेमडेसिविर और मेडिकल ऑक्सीजन की मांग जबरदस्त रूप से बढ़ी थी। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी मैदान से हिमाचल की सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने BJP की जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दिए। ट्विटर पर दिए जाने वाले ब्लू टिक के लिए भी $8 यानी कि करीब 650 रुपये चुकाने के लिए कहा है। उनके इस फैसले से कई लोग नाखुश हैं। इसे लेकर अब भारत के फर्स्ट ट्विटर यूजर नैना रेडू ने भी अपनी बात सामने रखी है। नैना ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इसके लिए उन्होंने पिछले 16 सालों में भुगतान नहीं किया है तो अब क्यों करना चाहिए। जब से ब्रह्मास्त्र 2 की चर्चा हुई है तब से इस फिल्म के अहम किरदार देव को लेकर जमकर खबरें आ रही हैं। पहले खबर आई थी कि देव के किरदार में ऋतिक रोशन नजर आएंगे, फिर इसके लिए रणवीर सिंह के नाम की भी चर्चा और वहीं KGF स्टार यश के नाम की भी अफवाह उड़ी है। नीतीश कुमार मंगलवार को पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु पर्व समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां नीतीश कुमार ने हाजिरी लगाई और गुरु महाराज तख्त साहिब के सामने झुककर देश में अमन चैन के लिए प्रार्थना की। इसके तुरंत बाद एक महिला ने नीतीश कुमार से कह दिया कि वो प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाए।
मिर्जापुर के केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अनुप्रिय पटेल की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने शास्त्री पुल का प्रकरण, ट्रक संचालन एसोसिएशन द्वारा उठाए गए ट्रकों की आवाजाही की समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसकी चर्चा अभी भी जारी है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव चाचा राम गोपाल यादव से चर्चा करने सैफई पहुंच गए हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो इस सीट पर सपा ने अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंटरनेशनल पेंटेकोस्टल हेलिनेस चर्च विगत 100 साल से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, जरूरतमंद, पिछड़े, कमजोर तथा आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। यह संस्थान ऐसे वर्ग के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उन्हें बल देने का काम कर रही है। साधु यादव ने कहा कि गोपालगंज में ही रहेंगे, राजद के लोग कहते हैं 2025 में इनको मिट्टी में मिला देंगे, इतना ही है तो अभी ही मार कर चौराहे पर खड़ा कर दीजिए, बार बार परेशान करने से अच्छा एक ही बार में गोली मार दीजिए, बिहार की गद्दी आपको मिल जाएगा। राजद को भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण एक भी वोट मिला है क्या 2025 में? क्या इतना मंत्री लगाएंगे? दिल्ली के मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट 2021 परीक्षा में शामिल हुए बगैर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ कॉलेजों में दाखिला लेने वाले सभी 891 छात्रों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इन छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में कॉलेजों में नोटिस लगा दी गई है। बिहार के शेखपुरा में निगरानी विभाग टीम ने पंचायत भवन में छापेमारी कर बरबीघा की सर्किल इंस्पेक्टर को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। विभाग ने सर्किल इंस्पेक्टर और अमीन को 70,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि जिस दिन से उन्होंने प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला, शीर्ष अदालत में 10,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया और लंबित पड़ी अतिरिक्त 13,000 दोषपूर्ण याचिकाओं का भी निस्तारण किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाना है। मैं भी इस यात्रा में शामिल होने कर्नाटक गया था। इतना जोश और इतना उत्साह था जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहले कभी नहीं देखा। सुबह 5:30 बजे जो भीड़ देखी उससे लग रहा है कि लोग यह एहसास कर रहे हैं कि महंगाई, कृषि और बेरोजगारी से हर वर्ग परेशान है। हरा हरा शंभू गाने को लेकर चर्चा में आई फरमानी नाज एक बार फिर मुश्किल में है। उनके भाई को पुलिस ने डकैती के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। फरमानी नाज का सगा भाई अरमान सरिया लूट गिरोह का सदस्य है। उसे पुलिस ने पूरे गिरोह के साथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले फरमानी को उनके पति ने छोड़ दिया था। 8 नवंबर 2016 को देश में पहली बार नोटबंदी हुई थी। उस दौरान देश के आमजनों में जहां खुशी की लहर थी तो वहीं भ्रष्टाचारियों और ब्लैक मनी के कुबेरों के घर मातम छा गया था। आज नोटबंदी हुए 6 वर्ष बीत गए हैं। नोटबंदी के दौरान देश की भलाई के लिए आम जनता ने काफ़ी कष्ट भी झेले, लेकिन उसका उन्हें दर्द नहीं हुआ। बहुत से लोग अभी भी नोटबंदी की यादें ताज़ा करके विचलित हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। अदालत ने कहा कि ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होगी। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मेडिकल छात्रों की फीस 24 लाख रुपए प्रति वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये फीस से 7 गुना अधिक है। अदालत ने एपी सरकार के इस निर्णय को बिल्कुल अनुचित माना है। देश में वायु प्रदूषण के स्तर में बहुत ज़्यादा सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को भी इससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कटिहार पहले नंबर पर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने बैठक में यह निर्णय लिया है कि गंगा किनारे बने जेपी गंगा पथ को 6 जोन में बांटा जाएगा। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस निर्णय में हर एक आयु वर्ग का विशेष ध्यान दिया है। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। 3 साल बाद भारत आए प्रियंका चोपड़ा पिछले दिनों मुंबई में एक हेयर प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही थी। कहा जा रहा था कि वह प्रमोशन के बाद सीधे अमेरिका रवाना हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह इन दिनों लखनऊ में है। नवाबों के शहर में प्रियंका चोपड़ा अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों से मुलाकात कर रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा आतंकी फंडिंग और अन्य आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के चलते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को देश में प्रतिबंधित करने के कई मायने हैं। बैन के बाद ही अब यह संगठन किसी तरह का विरोध प्रदर्शन अथवा कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेगा। इसी के साथ PFI के अब डोनेशन लेने पर भी बैन होगा। वह किसी तरह का प्रकाशन भी नहीं कर सकेगा, यानी उसकी हर गतिविधि अवैध मानी जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार प्रसाद, मोहम्मद नियामत अली, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, के सिन्हा, दीपक कुमार, भान प्रकाश मौर्य और प्रिया राय। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी का फैसला सही था? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।